जरूरी है सेंटेंस को पैसिव करेंगे तो भी डब्ल्यू एच आगे रहेगा। सिर्फ डू डज की जगह क्या अप्लाई करेंगे, इज एम आर, ऑब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय देन सब्जेक्ट एंड लास्ट इज अदर वर्ब, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। टर्न करेंगे सेंटेंस हम सामने लेते हुए, एक सेंटेंस आपके सामने दिया है, हाउ डज हनी डू हर होमवर्क, क्वेश्चन मार्क है बेटा, लास्ट में याद रखना है यहाँ पर, बराबर। तो सेंटेंस में से हर होमवर्क क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हाउ इज, क्योंकि हर होमवर्क हमारा सिंगुलर है तो इज यूज करेंगे, प्लूरल होता तो आर, तो हाउ इज हर होमवर्क डन बाय हनी, डू का थर्ड फॉर्म डन, क्लियर। अब लास्ट टॉपिक है तुम्हारा हु सेंटेंस, तो हु सेंटेंस की पैटर्न आपको याद रखनी है एफर्मेटिव वाली, जो एफर्मेटिव में मैंने आपको बताई थी, हु यानी अपने आप में ही सब्जेक्ट, यानी कि हु वाली पैटर्न इस तरह से बनेगी, हु वर्ब का एस ई एस, क्योंकि हु यानी कौन, कौन यानी ही हो सकता है, शी हो सकता है या इट हो सकता है, यानी हु वाले सेंटेंस में प्रेजेंट टेंस में वर्ब को साथ में क्या लगेगा, एस ई एस, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड एंड लास्ट इज क्वेश्चन मार्क। ये सेंटेंस याद रखना है, एक्टिव है, पैसिव करेंगे तो बाय हुम से बनेगा, कैसे बनेगा, बाय हुम और इज एम आर, ऑब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड लास्ट इज अदर वर्ड। एक चीज और है आपको खास याद रखनी है कि ये सेंटेंस के अंदर बने मात्र लास्ट में क्या होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, ऑब्जेक्ट या सॉरी अदर वर्ड ये सेंटेंस में कम दिए होंगे। ऑल्टरनेट है याद रखना, ये पैटर्न दी है तो ये बनानी है और ये दी है तो ये बनानी। एक सेंटेंस लेते हैं, हु टेक्स ब्रेकफास्ट एवरी मॉर्निंग, तो सेंटेंस के अंदर हु हमारा सब्जेक्ट जैसे मैंने आपको बताया, टेक्स वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस ई एस वाला हुआ, ऑब्जेक्ट हमारा ब्रेकफास्ट, एवरी मॉर्निंग हमारा अदर वर्ड हुआ। टर्न करेंगे इस फॉर्मेशन के हिसाब से बाय हुम, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट जो है उसके अकॉर्डिंग इज एम आर लिखेंगे, तो ऑब्जेक्ट हमारा ब्रेकफास्ट है जो सिंगुलर है तो हम क्या यूज करेंगे, इज, तो बाय हुम इज ब्रेकफास्ट टेकन एवरी मॉर्निंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, याद रखना बीच में बाय नहीं आएगा क्योंकि बाय ऑलरेडी हम आगे ले चुके हैं। तो ये तुम्हारा कंप्लीट हुआ सिंपल प्रेजेंट टेंस चेंज द वॉइस के पांचों टाइप। अब हम नेक्स्ट टाइम जो भी चलाएंगे, एक ही फॉर्मेशन से मैंने आपको पांचों फॉर्मेशन बनाना किस तरह से वो बता दिया है, तो हम थोड़ा सा जब पास्ट टेंस शुरू करेंगे तो सारे के सारे, यानी कि सारे के सारे फॉर्म लिखेंगे नहीं, सिर्फ एक ही उसकी फॉर्मेशन लिखेंगे और डायरेक्ट उसके सेंटेंस करेंगे ताकि आप उसे जज कर सको और हम थोड़ा आगे चल सकते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।